एमबीए को कमजोर कर रहे उद्धव, कांग्रेस की सीट पर शिवसेना बिगाड़ेगी खेल, नाना पटोले का बड़ा बयान। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के विपक्षी मोर्चे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में दरारें सोमवार को उस समय खुल गई जब कांग्रेस ने उनके साथ किए गए व्यवहार पर नाराजगी जताई। महार कांग्रेस नेता के शिवसेना में शामिल होने के बाद पार्टी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नाना पटोले ने शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे पर एमबीए को कमजोर करने का आरोप लगाया है। आलोचना के बाद महार से कांग्रेस नेता स्नेहल जगताप शिवसेना में शामिल हो गई। कांग्रेस खेमे में नाराजगी, पटोले सोलापुर जिले में एनसीपी में नई प्रविष्टियों को लेकर भी सतर्क रुख अपनाते हुए दिखाई दिए। जब उन्होंने कहा कि एमबीए के भीतर लोकसभा और विधानसभा सीटों पर जल्द ही चर्चा होगी, जबकि सोलापुर लोकसभा सीट कांग्रेस की है, पार्टी और जिले में कांग्रेस की ताकत और बढ़ेगी। पटोले का कहना है कि जगताप को शामिल किए जाने के खिलाफ ठाकरे को चेतावनी दी थी। स्नेहल जगताप को लेकर तकरार, महानगर परिषद के अध्यक्ष स्नेहल जगताप ने शनिवार को उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। स्नेहल कांग्रेस के पूर्व विधायक माणिक जगताप की बेटी है। शिवसेना ने कहा कि सीट वापस पाने के लिए पार्टी उसे गोगा वाले के खिलाफ मैदान में उतारेगी। पटोले ने हालांकि इस कदम का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को स्नेहल जगताप को अपनी पार्टी में शामिल करने के खिलाफ चेतावनी दी थी, फिर भी वह उससे आगे बढ़ गए। एमबीए के भीतर टकराव, पटोले ने कहा हम एमबीए बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, वह सीट कांग्रेस की है और हम विधानसभा चुनाव में सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही मामले में कांग्रेस को सोलापुर में विधानसभा के साथ साथ संसदीय सीटों की भी चिंता सता रही है। जिले के अपने हालिया दौरे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी में एक स्थानीय सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष अभिजीत पाटिल को शामिल किया, जिन्हें संसदीय सीट नहीं तो विधानसभा सीट का दावेदार माना जाता है।